हेलो गाइस आपका स्वागत है अपने चैनल में आर के कार ब्लॉक में गाइस जो हम आपके लिए कार लेके आए हैं वो है सी एन जी शिफ्ट दो हजार चौबीस में न्यू कार लॉन्च हुई है बहुत जबरदस्त भाई पीछे से आप देख सकते हैं सी एन जी का लोगो बाकी मैं आपको अंदर सिलेंडर दिखाता हूँ इसके अंदर जो फिट है भाई इसके अंदर आपको टायर नहीं मिलेगा पास में चार टायर आपके लगे हुए होंगे बाकी भाई मैं बाद में इसका बताऊंगा क्या कैसे क्या सिस्टम दिया है फाइव टायर कहाँ लगा है, है कि नहीं और कितने लीटर इसके अंदर सी आती है तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं ठीक सामने से तो भाई ये राय गाड़ी की चाबी यहाँ आप देख सकते हैं दो चाबी मिलेंगी वो भी हमारी नॉर्मल और इसके अंदर जो शिक्षा मांगे लॉक और अनलॉक की, की वाले जो बोलेंगे टन टन बस और बाकी चाबी के अंदर आपको कोई दूसरा फीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा सामने की ओर आते तो यहाँ पर आपको कार का लोगो हो जाएगा नीचे भाई आपकी जाली टाइप हो जाएंगी पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग में बाकी क्रोम की फिनिशिंग दी हुई है यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट हो जाएगी और यह लाइट में ही आपको क्रोम की फिनिशिंग और नीचे आपको हलोजन लाइट हो जाएगी एलईडी लाइट हलोजन में दी है नीचे आपकी लाइट हो गई यहाँ पर आपको बम्पर दिया है पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग में और भाई साइड की ओर आते हैं तो यहाँ भी आपकी सेम प्रोफाइल रहने वाली है प्रोजेक्टर हेडलाइट और नीचे की ओर आते हैं गाइस तो यहाँ पर आपको फोकस लाइट बाकी ये यहाँ पर सामने आप लुक देख सकते हैं बहुत बेहतरीन लुक है सेट की ओर आते हैं गाइस और यहाँ की बात करें तो भाई यहाँ स्पेस कम है से भाई पूरी गाड़ी थोड़ा सा हो रहा है इसके लिए इसके लिए सॉरी भाई भाई बात करते हैं भाई की तो साइफर हमेशा से कार में एक बेहतरीन अच्छी कंपनी के वाइफर आते हैं यहाँ पर काफी बड़ी इसकी डिस्प्ले है भाई चलते हैं सेट की ओर तो भाई टायर साइज की बात करें तो इसके अंदर चारों टायर आपको ब्रेक मिलने वाली है क्योंकि बी एस आई मॉडल है बहुत जबरदस्त है और भाई टायर साइज की बात करें तो एक सौ पैंसठ अस्सी आर चौदह इंच के इसके अंदर यहाँ पर भी भाई नीचे पूरी आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी है पियानो ब्लैक कलर की आप चलते हैं साइड की और जो भाई ओ की बात करें तो ओवरबीएम आपको बॉडी कलर में मिलेंगे और नीचे आपको एलईडी लाइट मिलेगी जो कि काफी जबरदस्त है भाई इसकी बिट की बात करें तो सत्रह सौ पैंतीस एमएम की हाइट की बात करें तो पंद्रह बीस एम एम की इसकी लेग की बात करें तो अठासी साठ एमएम की ग्राउंड लेवल की बात करें एक सौ तिरसठ एमएम के जो काफी ज्यादा है और गाड़ी की हाइट लंबाई काफी ज्यादा है भाई यहां सेट की बात तो यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से ही आपको ऐसा सीरीज की पार्ट में ऊपर नीचे भाई आपको क्रोम लगा हुआ मिलेगा बाकी बॉडी कलर में इसके हैंडल आ गए नीचे भी भाई आपको यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी जो काफी बेहतरीन लुक बना रही है कार का आप कहीं से भी नजर घुमा के देख सकते हैं भाई डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम के हैंडल मिलेंगे ये आपका लॉक हो गया यहाँ पर आपको पावर विंडो नीचे आपको बोतल हो गया भाई फोर स्पीकर के साथ में ये कार आती है अब चलते हैं भाई पीछे की ओर तो गाइस ये रहा इसका पेट्रोल टैंक सैतीस इस लीटर इसके अंदर पेट्रोल आता है जो काफी ज्यादा है भाई सी का फीचर इस सेट ना देखे उस सेट पे दे हुआ है अलग अलग दोनों के फीचर कर दिए गए हैं भाई अब चलते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ भाई तो पीछे से गाड़ी का आप लुक देख सकते हैं काफी बेहतरीन लुक और स्मार्ट लुक है यहाँ आपको चिप मिल जाएगा लिखा हुआ और यहाँ पर कार का लोगो हो गया भाई यहाँ पर आपको टेल लैम्प एलईडी में दी है पूरी यहाँ पर आपकी एलईडी लाइट हो गई या आपकी ब्रेक लाइट हो गई नीचे भाई आते हैं तो देख सकते हैं बम यहाँ पर पूरा पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग में है यहाँ आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी यहाँ पर आपको रिवर्स पार्ट सेंसर चार फिनिशिंग हो गई यहाँ, यहाँ पर आपके ऊपर आपका अंटीना हो गया जो काफी जबरदस्त फीचर के चार्ज में आती है पीछे आपको वाईफर नहीं मिलेगा भाई बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर दो लीटर का बूट स्पेस आता है और फुल सी टैंक की बात करें तो पचपन लीटर का इसके अंदर सी टैंक आ रहा है भाई पांचवा टायर इसका कहा तो भाई मैं आपको बता दूंगी गाड़ी के अंदर टायर ही टायर आ रहे हैं पांचवा टायर इसके अंदर नहीं दे हुआ है बाकी भाई ना इसके अंदर गेयर की कोई किट दे हुई है जो आप अपना टायर को खोल के बदल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है भाई इसके अंदर जो किट दे हुई है वे एक नए स्टाइल में आई है ये।, ये आपका जेल टाइप हो गया और यहाँ पर एक मशीन टाइप दी है इससे अगर आपकी गाड़ी में पंचर होता है तो आपको यहाँ पर लगा के इसके अंदर अब भरनी होगी और ये जेल है इसके अंदर सेप करके आपको कार के टायर में डालना होगा इस प्रकार से जैसे आप लाएंगे ऑटोमेटिक ही कार के टायर में चला जाएगा और जैसे ही आप अपनी जब आपकी गाड़ी में हवा फुल हो जाएगी जैसी जहां पर आपकी गाड़ी में पंचर होगा ना जैसे आप अपनी गाड़ी से चलाएंगे तो वहीं पर जाके चिपक जाएगा और आपका टायर का पंचर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपको टायर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी दो मिनट का काम होगा पांच मिनट लाएंगे आपका टायर बिल्कुल चालू हो जाएगा और चलते रहेगा आपका भाई भाई ये रहा सी एन का टैंक तो भाई सिस्टम ही बदल दिया यहाँ से आपको चाबी लगाना इसके बाद में खोलेंगे भाई ये पूरा कप ही बाहर आ जाता है पहले क्या था कोई भी से बाहर से खोल लेता था अब ऐसा नहीं है अब क्या है थार वाला फीचर कर दिए भाई आपको चाबी निकाल के देनी पड़ेगी उसके बाद में जो आपकी गाड़ी में तेल डालेगा उसे यहाँ से खोलना पड़ेगा है नहीं भाई जबरदस्त फीचर भाई फुल टैंक का पिछड़ी कर दिए पचपन लीटर जो काफी ज्यादा इसके अंदर सी आती है अब चलते हैं भाई पीछे वाली सीट की ओर अब बैठते हैं कार के अंदर गाड़ी का लुक देख लीजिए अंदर से फाइव डोर के साथ में आती है बंद करते हैं अंदर के गेट भाई सबसे पहले गाड़ी का लुक देखिए अंदर से पीछे से भी देख लीजिए भाई ऊपर आपको कोई भी हाइलोजन बल्ब या एलईडी लाइट नहीं मिलेगी नीचे कोई आपको एसी वेंट नहीं मिलेगा सामने से जो एसी की हवा आएगी वो ही आएगी हाँ जो काफी चेज एसी की हवा इसके अंदर जी हुई है भाई स्पेस की बात करें तो इसके अंदर स्पेस इस काफी ज्यादा है और आराम से मेरे पैर फैल भी रहे हैं और नीचे टच भी हो रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है उच्च स्पेस काफी ज्यादा आता है चलते हैं गाइस ड्राइवर सीट की ओर खोलते हैं अब इसके लिए बंद करते हैं तो भाई सबसे पहले डोर ऑन करते हैं ड्राइवर सीट की तो भाई सामने से लुक देख हैं आप तो यहाँ पर आपको क्रोम के हैंडल मिलेंगे ये आपका लॉक हो गया भाई यहाँ पर प्लास्टिक के अलग अलग पार्ट दिए हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी में हैं यहाँ पर आपको कपड़ा मिल जाएगा टाइप का भाई अब आते हैं नीचे की ओर तो यहाँ पर आपको एक लाइट मिलेगी जैसे आप इसे गेट को ऑन करेंगे तो भाई नीचे लिख के आएगा तो जो काफी बेहतरीन डिजाइन और लुक भी लगेगा आपको रात में जब आप खुद देखेंगे इसे ऑन करके काफी बेहतरीन फीचर आता है ये यहाँ पर आपका कप होल्डर हो गया यहाँ पर आपका स्पीकर हो गया फोर स्पीकर के साथ में ये कार आती है पहला बटन आपको ऑटो मिलेगा और तीनों बटन आपको नॉर्मल मिलेंगे पावर विंडो के यहाँ से अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं ये आपका शीशा लॉक हो गया यहाँ से अपनी गाड़ी का अंदर बैठ के ही सेट कर सकते हैं भाई अब बात करते हैं सीट की तो सीट इसके अंदर काफी कंफर्टेबल सीट आती है तो काफी लंबा सफर आप इसके अंदर आराम से बैठ के तय कर सकते हैं आपको थकान महसूस नहीं होने वाली है यहाँ से आप अपनी सीट का ऊपर वाला सिस्टम के लिए आगे पीछे कर सकते हैं इसकी हाइट ऊपर नीचे नहीं होगी सीट पूरी आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं भाई बेहतरीन सीटें तो सिर्फ कार में पहले से ही आती है और बेहतरीन और भी ज्यादा बेहतरीन कर दी गई है अब, अब बैठते हैं कार के अंदर भाई स्टेरिंग की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलने वाला पावर स्टेयरिंग जो काफी अच्छा फीचर के साथ में आता है कैसे लुको भाई इस सीट को हम आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ से आप अपनी गाड़ी का इसे लॉक खोलना स्टेयरिंग के लिए ऊपर नीचे कर सकते हैं भाई जिसकी हाइट नहीं बढ़ा सकते हाइट है, जो है वही हाइट है रहने वाली है तो बस यहीं से आप अपनी इसे बंद करते हैं लॉक के लिए गया हो गया वन यहाँ पर आपका म्यूजिक सिस्टम का ईयर बैग हो गया स्पीकर हो गया ये आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया यहाँ से आप कॉल को काट सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं तो भाई ये रहा है स्टेयरिंग का फीचर सात तो इंच की ओर तो यहाँ पर आपको सात इंच की एलईडी मिलेगी ये आपका ए सी बैंड हो गया यहाँ पर मैनुअल ए सी मिलने वाली है और ऑटोमेटिक एक ही बटन इसमें टच आया यहाँ पर आपका मोबाइल स्पेस हो गया यूएसबी सॉकेट हो गया आपका यहाँ पर बारह वोल्टीज का सॉकेट एक आपका इधर हो गया दो का यहाँ पर हो के साथ में यह कार आती है ये रहा आपका हैंडब्रेक यहाँ पर आपको कोई भी एमरेज नहीं आता भाई डिग्गी स्पेस इसके अंदर काफी ज्यादा आप खुद ही ले सकते हैं काफी ज्यादा इसके अंदर स्पेस आ रहा है भाई यहाँ पर प्लास्टिक काफी अच्छी क्वालिटी में है एक ईयर बैग आपका यहाँ पर है और हर पार्ट अलग से जोड़ा गया है जो काफी बेहतरीन लुक बना रहे हैं भाई इसकी एम आई की बात करें तो सबसे पहले लॉग इन करते हैं इसकी एम आई आई डी चाबी लगा के पहले कार के लिए नोटल करते हैं तो भाई एम आई इसकी डिजिटल कर दी गई जो काफी बेहतरीन फीचर भी इसके साथ में आ रहे हैं यहाँ पर आपको हले चन मिलेगा यहां पर आपका नॉर्मल हो गया इस साइड पे आपको एक शीशा टैप मिलेगा भाई ये रही एफ सी एम आई आई डी देख लीजिए। टैक्सी अच्छा और बेहतरीन कर दिया पहले से नीचे भाई यहां से आप सी एन जी और पेट्रोल में अपनी कार के लिए लगा सकते हैं यहाँ से हलोजन मतलब की हेड लाइट कम कर सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलाइट लाइट की भाई यहाँ से अपनी बूट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से टैंक खोल सकते हैं पेट्रोल का भाई ये रहा आपका ब्रैक रेस पह, उससे पहले वाला आपका क्लिश था अब चलते हैं भाई इंजन की ओर जहां में सबसे ज्यादा इंतजार रहता है तो भाई सबसे पहले आप लोग इंजन देख लीजिए इंजन है ग्यारह सौ सत्तानबे सी सी तीन सिलेंडर में आता है पेट्रोल में पावर है अच्छी बी एच पी की और एक सौ ग्यारह एन सी एन जी में है अड़सठ बी एच की और मैच पावर है 101 भाई सीएनजी में माइलेज देगी 33 का और पेट्रोल में माइलेज देगी पच्चीस के एम पी एल ऐसो प्राइस पड़ेगा आपको आठ लाख उन्नीस हजार रुपए में और ऑन रोड प्राइस पड़ेगा नौ लाख चालीस हजार रुपए में जो भाई गाड़ी काफी बेहतरीन है तो भाई आपको कार कर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद